बादल देवनाथ, हर बार आपको बुलाना पड़ता है ये सफाई देने के लिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बिहारी बच्चों के साथ आपके राज्य में? मैडम, ये गर्व तो पहले, अभी कहा गया गर्व कहाँ चला गया, ये गर्व तो पहले टीएमसी में था, बिल्कुल था, लेकिन वो टीएमसी नहीं करते, अभी टीएमसी नहीं करते, 10 साल 15 10 साल हो गया, लेकिन इसका कोई नाम बांग्ला पक्को कोई नाम इनके आपने दिखाया, मैंने सुना है, लेकिन जो भी हुआ ये टीएमसी का कोई बात नहीं है, ममता दीदी का कोई बात नहीं है, दो फर्जी आदमी ने जो गलत काम किया है, दोनों बच्चों को जो पिटाया, उनको उनको उठा बैठा किया, ये बिल्कुल गलत है, दुखजनक घटना है, निंदनीय घटना है, मैं हर जगह में हर चैनल में यही बोल रहा हूँ, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बंगाल में 6-7 जिला में है, जैसे लाखों करोड़ों बिहारी लोग यहाँ पर रहते हैं, सिख रहते हैं, राजस्थानी, गुजराती लोग यहाँ पर, मुस्लिम लोग, सभी लोग यहाँ पर, 10.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते, और बहुत सारा इलाका है जो कारखाना है, जूट मिल है, बहुत सारे का, जहाँ पर बिहारी लोग, यूपी लोग यहाँ पर काम करते हैं, और मैडम बंगाल से बहुत सारे लोग है गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली में काम करने जाते हैं, और नौकरी का तलाश भी करते हैं, लेकिन बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग, गुजरात से, राजस्थान से, यहाँ पर बंगाल में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो इनका जो इंटेंशन है, ये जो संगठन बनाया, इनका काम है कुछ वायरल करके पैसा कमाना, क्या करना इनका काम क्या है पता नहीं है, लेकिन ये अलग से एक संगठन बनाया, लेकिन इसमें टीएमसी का कोई बात नहीं, ममता दीदी का कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं टीएमसी का कोई काम नहीं, ममता दीदी का कोई काम नहीं, ये जो गार्गा चैटर्जी है कहाँ है, वो बस में मौजूद थे, कहाँ पहुंच गए, तो मैं पूछना चाह रही थी कहाँ ये जो है बस में बैठ के जा कहाँ रहे, बंगाल की सीमा में ही है ना, क्योंकि गार्गा चैटर्जी ये बात समझ नहीं रहे हैं। सुनिए बादल देवनाथ जी, वो तो हर मन से दीदी का गाना गाते हैं, हर मन से टीएमसी के हर कदम का, हर फैसले का स्वागत करते हैं, कौन लोग हैं? मैं ऐसे, अरे मैं आपको बता रही हूँ, टीएमसी समर्थक के तौर पर ये आदमी हर चैनल में बैठा हुआ पाया गया है, टीएमसी समर्थक के तौर पर है, 10 साल पहले होगा, आरजी कर मामले में भी ममता सरकार को बचा रहे थे, ममता दीदी का सबसे बड़ा समर्थक है ये, क्यों सड़कों के पीछे नहीं है, कौन है ये आदमी? मैं पार्टी के सारे स्पोक्स पर्सन सबको जानता हूँ, पार्टी का निर्देश भी मैं मानता हूँ, लेकिन टीएमसी में कोई भी एक सैनिक भी कुछ भी नहीं है। अरे पर अजय लोग कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं है ना प्रभु, खेल तो बड़ा है ना, ये टूल किट है आपका, अजय आलोक जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, ये लोग टूल किट है, और बंगाल से बहुत सारे लोग बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, विदेश में भी जाते हैं, हम भी बंगाल में गए, हमें पता है बंगाल से हिंदुस्तान का रिश्ता और पूरे हिंदुस्तान का रिश्ता बंगाल से बहुत बहुत मजबूत है, आप मत बताइए यहाँ, लेकिन ये ऐसे गुर्गे अगर घूमते रहे तो इनको टूल किट नहीं तो और क्या कहा जाएगा? अजय आलोक यही तो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना उसका। मैं तो कहना चाहिए इसको पहले, अजय आलोक और बादल देवनाथ स्क्रीन पर प्लीज, इनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए। मैं डायरेक्ट बस एक सवाल है, छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है कि क्या बिहार में कोई आदमी सोशल विजिलेंटे बन के बंगालियों को मार के बाहर भगा सकता है, और नीतीश सरकार देखती रहेगी, बीजेपी सरकार देखती रहेगी? कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ये जब तक सरकार की इच्छा नहीं होती है, उसको देखिए वो हाथ हिला रहा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, वो थम्सअप दे रहा है, आज तो बेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, इसलिए बेल नहीं हुई है, बेल तो उसको मिलेगा ही, बेल मिलेगा, ये तो आप जानबूझ के प्रायोजित है ना, ये क्यों बंगाल सरकार ये कर रही है? आप बसा रहे हैं लाला के रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, उनको आधार कार्ड दे रहे हैं, प्रमाण के साथ प्रमाणित हो चुका है, और बिहारियों और बाकी प्रदेशों के साथ आप ऐसा करेंगे? ये आप अराजकता क्यों फैलाने पे लगे हुए हैं? लेकिन जो आप ये देखिए रूपिका जी, पिछले एक महीने से देश में लगातार कोशिश की जा रही है अराजकता फैलाने की, चाहे ट्रेनों को डिरेल करना हो, चाहे अब ये बंगाल का किस्सा हो गया हो, हर जगह कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं ताकि लोगों में गुस्सा बढ़ के, कभी सिखों को भड़काने का काम, कभी ट्रेनों को पलटी से पटाने का काम, कभी हिंदू मुसलमान करने का काम, लगातार देश में अराजकता फैलाने की कोशिश ये ईडी वाले कर रहे हैं, और इनका अलग अलग टूल किट है, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है, नहीं, लेकिन, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो लोग जो भूल गए हैं और ये पूछते हैं कि तुम कहां से हो, बिहारी हो क्या, ये लोग जो कहते हैं ना, जिनके दिमाग में शून्य भरा हुआ है बिहार को लेकर और बिहारियों को लेकर, वो एक बात जरा सुन ले,
ये शून्य जो उनके जहन में है ना, उसकी खोज एक बिहारी ने की थी, आर्यभट्ट को जानते हैं कि नहीं आप? और बिहार को तो अगर आप अंदर से जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब ही मठ है। ये नाम दिखाता है कि बिहार की ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। बिहार वो धरती है जिसने शौर्य का पर्याय माने जाने वाले चंद्रगुप्त को पैदा किया, राजनीति का दूसरा नाम माने जाने वाले चाणक्य की कर्मभूमि रही है। और नाम अगर गिनाती रह जाऊंगी ना, दिन छोटा पड़ जाएगा। याद रखिएगा, बिहारी गाली नहीं, एक बिहारी सब पर भारी है। और हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई भी कुछ भी चाहे कर देगा और पूरा हिंदुस्तान देखता रहेगा, ये होगा नहीं, वो किसी भी राज्य में।